नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर, खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ माँ प्रभा किरण जी हैं। माँ प्रभा किरण जी साथ भी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, सोशल वर्कर हैं, बहुत सारा कार्य करती हैं। तो माँ प्रभा किरण जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस। धन्यवाद धन्यवाद, खुश रहो। चलिए माता जी, हम जो आज बात करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका सोशल मीडिया पर एक बहुत सारी चीज वायरल हुई है, उसमें था एक शांति कलश स्थापना। तो हम, क्योंकि देखिए इधर उधर की बात ना करके हम सीधे मुद्दे पर आते हैं, ये शांति कलश एक्चुअली है क्या, इसकी स्थापना कैसे होती है, क्या कार्य करता है, तो पहले शांति कलश के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शांति कलश तो मैंने पूरे भारत के लिए नाम रखा है। वैसे कलश जो है वो उसमें जो चार्ज जल होता है वो हमारी मनोकामना पूर्ण करता है, सुनता है और वो रिएक्ट करता है। ये तो पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है। ये तो शांति कलश की स्थापना कैसे करती है आप? शांति इसमें मंत्रों से स्थापना होती है, हवन कराना चाहे छोटा मोटा हवन भी करा सकते हैं, हमारे पंडित हैं जो करते हैं और उसको स्थापित करते हैं शांति कलश को। वो आपके रोग, ग्रह कलह, आसुरी शक्तियां, आपके आपके घर में कोई भी किसी तरह की नकारात्मक शक्तियां हों उनको दूर करने में सहायक करती हैं, आपको आगे बढ़ाने में, आपको आपके रास्ते क्लियर करने में काम करती है। माता जी, जैसे हमारे दर्शक हैं वो पूरे भारत वर्ष है, हर जगह पे हमारे दर्शक हैं, शांति कलश की स्थापना जैसे सपोज करिए कि कोई हमारा दर्शक जो है वो सुन रहा है महाराष्ट्र से, तो क्या महाराष्ट्र में शांति कलश की स्थापना होगी कि उनको यहाँ पर आना पड़ेगा? नहीं, वो भी कर सकते हैं, वो वहाँ पे भी कर सकते हैं, हमारे सब जगह देश में हमारे लोग हैं, पूरा नेटवर्क है, मैं भी जाती हूँ और सब लोग वहाँ पे हम वो बताएंगे तो वहाँ पे हमारा आदमी वहाँ पे जाके कलश स्थापित कर सकता है, वो साथ में जल और जो हवन सामग्री वगैरह जो भी होगा वो स्थापित करके कलश स्थापित कर देगा उनके घर में। और उनको क्या है, कलश स्थापित करने के बाद उनके जैसे डिप्रेशन है, नकारात्मक शक्तियां हैं जो हमें तंग करती हैं और हमारी नेगेटिविटी खत्म होती है और हम हमारे अंदर उत्साह बना रहे। एक्चुअली एक एनर्जी होती है जो ब्रह्मांड में है चारों तरफ, वो एनर्जी काम करती है, वो एनर्जी हमें यहाँ तक लाती है, वो एनर्जी हमसे बात कराती है, वो एनर्जी हमें एक तरह से एक्टिव रखती है। तो उस एनर्जी को लाने के लिए हमें वो जल जो है वो बहुत बड़ा काम करता है। सुख शांति आती है, धन दौलत आती है और हमें कुछ भी हमारी इच्छा हो उसको पूर्ण करती है, जो भी समस्या वो दूर होती है, दूर होती है बिल्कुल जो भी समस्या है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शांति कलश की जो स्थापना है उसमें बहुत सारे फायदे हैं। इसके अलावा माता जी, मैं जानना चाहूंगा जो शांति कलश है उसमें होता क्या है, कैसे पूजा पाठ होती है, किस तारीख का हवन होता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली कलश तो सबको ये पता है, कलश यात्राएं होती हैं, कलश तो यहाँ पे यात्रा नहीं है, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल कलश को चार्ज वाटर से भर दिया जाता है और उसको उससे मन चाहे इच्छा को पूर्ण करने के लिए इनवाइट किया जाता है, उसको मनोकामना के हिसाब से मनोकामना बोली जाती है, वो जल सुनता है और फिर उसके बाद उसको उसको बार बार आप 7 दिन का रख लें या 15 दिन का रख लें अपना इच्छा के लिए समय समय जो भी आप रखना चाहें, तो वो इच्छा उस अवधि के अंदर पूर्ण कर लेता है। बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मतलब शांति कलश की स्थापना होती है। तो जो शांति कलश है, मतलब जो पर्टिकुलर लोग हैं उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं इससे, कैसे सुख शांति आती है, क्या वो करें इसके लिए, कैसे आपसे संपर्क करें, तो वो सारी की सारी चीजें हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। क्योंकि देखिए जब लोग देख रहे हैं शांति कलश के बारे में जान रहे हैं तो लोगों के अंदर जागरूकता होगी, वो लोग सोचेंगे कि हमें भी शांति कलश स्थापना करनी। क्योंकि माता जी देखिए, आपको भी पता है आज के जमाने में लोग भाग दौड़ की जिंदगी है, लोग व्यस्त रहते हैं, कार्य करते हैं, तो क्या है आध्यात्म के लिए टाइम नहीं मिल पाता उन्हें जो असल में करना चाहिए। तो क्या है कि वो ऐसा चीज, ऐसा समय निकाल के वो आध्यात्म में चाहते हैं कि वो भी करें, उनके घर में सुख शांति आए, उनके पितृ जो है वो शांत हो, उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले, तो ये सारी की सारी चीज करते हैं। तो शांति कलश स्थापना क्या इन चीजों में मदद करती है? बहुत बहुत मदद करती है। एक्चुअली क्या है, भाग दौड़ भरी जिंदगी और ये जो हमारा पर्यावरण है नेचर, हम नेचर के अधीन है पूरी तरह से। वायु, एक मिनट हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले सकते, जल ना हो तो हम जी नहीं सकते, सूर्य ना हो, ये सब हमारे जो है ना, हम नेचर से ही पैदा हुए हैं, नेचर के ही नजदीक हैं। हवन भी एक तरह से नेचर
का एक अंग है। तो इस तरह से जो जल है वो हमारे हमारे बहुत नजदीक है, हमारे शरीर में भी कितना 75% पानी है हमारे वैज्ञानिक बताते हैं। तो वो जल जो है हमारे सुनता है, जल जल के अंदर इस तरह के वो होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो एक्ट और रिएक्ट भी करता है। तो हम जल से बात कर रहे हैं, ये कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं है, इसको हर धर्म हर समुदाय के लोग अपना सकते हैं। और जल हमेशा सुनता है। पहले मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा और मिरेकल हुआ, बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है और लोग बुलाते हैं और उनको भरोसा है और वो जल उनके जीवन में खुशहाली ला रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है, आई बिकम सक्सेसफुल इन माय एक्सपेरिमेंट। ग्रेट, इसके लिए तो आपको कांग्रेचुलेशन। इसके अलावा माता जी, जो खैर ये तो शांति कला से स्थापना आप कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज और भी हम दर्शकों को बता दें, दर्शक भी जानते होंगे, आपका नाम तांत्रिक चंद्रा स्वामी से भी जुड़ा रहा है। और जाहिर सी बात है, जुड़ा ही नहीं रहा, आप वहां पर सबसे मेन उसमें थी, 25 साल रही हूँ मैं, 25 साल। जी जी बिल्कुल, 25 साल। तो मतलब आपको सबसे नजदीकी उनके माना जाता था स्वामी जी के, तो तांत्रिक चंद्र स्वामी जी से भी आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिली हुई, क्योंकि उनके सीखी है हमने। लेकिन ये चीजें तंत्र मंत्र ये सब स्थाई नहीं है, मैंने सब अनुभव करके देखा है। 25 साल में रही हूँ और हम तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि फिर उसका असर ज्यादा नहीं होता है। जो शांति कलश का है वो शांति कलश वो स्थाई है और वो स्थाई नहीं है। ना ना ना, वो हमें एकदम से जिसको कहते हैं जीवन से जोड़ के रखता है। तंत्र और ये साधना ये सब चीजें हमको स्थाई सुख नहीं दे सकते। हमारा सूर्य है, जो सूर्य की आराधना, हमारे जल की आराधना, ये हमारी वायु की आराधना, ये यज्ञ की अग्नि की आराधना, ये हमें बहुत स्थायी सुख देते हैं। बहुत अच्छी बात है माता जी। बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हमसे कोई ऐसा संपर्क करता है तो आपसे जरूर हम बताएंगे, हमसे पूछता है कि शांति कलश की स्थापना उनको करवानी है, तो कोशिश करेंगे कि आप तक हम उनसे संपर्क कराने की कोशिश करें और हम माध्यम बने आपके। नहीं, अगर आपको तुरंत राहत चाहिए, आप क्या होता है जब मुसीबत आते ना एक साथ आती है, एक मुसीबत नहीं आती, इधर से वो हो गया उधर से वो हो गया तब जाके मुसीबत बनती है। एक छोटी सी आपको छोटी सी चोट लगी तो वो मुसीबत नहीं है, चोट लगी, आपका पैसा चोरी हो गया, आपकी बहू भाग गई, आपकी बेटी ने कुछ कर दिया, आपके घर में कलह हो गया, बेटी बेटे ने लव मैरिज कर दिया, कई चीजें हैं, मतलब ऐसी जब एक साथ परेशानी आती है, एक साथ बहुत सारी परेशानियां आती है। ये कलश शांति कलश ऐसा है कि एकदम घर को शांत कर लेता है, एकदम शांत कर लेता है और आप हर परेशानी हो अपने अंदर समाहित कर लेता है। या बच सकते हो। हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं जहाँ से भी देख रहे हैं वो संपर्क कर सकते हैं शांति कलश स्थापना के लिए और माता जी से जुड़ सकते हैं। माँ प्रभाकरण अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी माँ प्रभाकरण सर्च करेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे और आप इनसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इनसे जान सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा माता जी आपसे बात करके। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना, आपके जीवन में खुशहाली आए, शांति आए और आपके जीवन में हर तरह की जो भी नकारात्मक ताकतें हैं वो जीवन से चली जाएं, ये ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ। बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ में हम यहीं पे समाप्त करते हैं अपना कार्यक्रम। मैं मनीष कुमार, दिल्ली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए, धन्यवाद।